आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आज जो भी धमाका हुआ उसमें सही की कोई गलती नहीं थी। गलती तो वो हमें की बीवी सरिता और उसके साथ जो औरतें आई थी उनकी थी। सही तो सिर्फ उनको चुप करा रही थी ना। बुआ, पूरी तरह से आपके साथ हूँ और मानता भी हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ये बात सही और मेरे बीच में, तो हम दोनों के बीच में रहने दीजिए प्लीज। आपको बुआ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम मेरी टीचर हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। तुम मुझे सिखाती रहोगी किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अपनी बुआ से कैसे बात करनी है, सिखाओगी? हाँ, तो आप भी मेरी टीचर नहीं है जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे अमित से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम खुद को समझती क्या हो? सही कौन हो तुम? तुम्हें सब पता है, तुम सही हो हमेशा। आप भी मेरे प्रोफेसर नहीं है जो मुझे ये बताएंगे कि मैं कब सही हूँ कब गलत हूँ। मेरे हर एक्शन पे नजर रखेंगे। सही चलाइए मत, मैं आपकी मुजरिम नहीं हूँ जो आपकी चिल्लाने से डर जाऊंगी। तुम अभी बस करो, प्लीज बस करो। दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अभी नीचे तमाशा कम हुआ है क्या जो तुम दोनों भी शुरू हो गए हो? तो मुझे अच्छा लग रहा है इस पे चिल्लाना, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन इसे देखे नहीं, कुछ सोचती नहीं बोलने से पहले। कितना प्यार से मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप करके आया था कॉलेज में, फिर काम पे चला गया था। सोचा तुम्हारा हाथ आज ठीक हो जाएगा तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे, फिर दो बातें करेंगे। उसे प्यार से पूछूंगा मैं उसे कि उसका दिन कैसा गया, कॉलेज का पहला दिन। लेकिन ये किस तरह से बात कर रही है? ऐसे बात कर रही है जैसे धौंस जमा रही है मुझ पर। सोचा तो बहुत अच्छा था आपने कि साथ में खाना खाएंगे, लेकिन फिर खाना खिलाने की जगह डांट क्यों खिलाने लग गए? और आप भी मुझ पर चीख रहे हैं, कोई गाना नहीं सुना रहे। चलो, जलेबी जैसी बातें नहीं होती है। तो मैं हमेशा सीधे बात करता हूँ और सीधे बात करके ये बोल रहा हूँ कि तुम ये अमय को अभी फोन करोगी और उसे मना कर दोगी कल आने से। उसे कैसे निपटना है मैं देख लूंगा। विराट सर, सुबह सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मेरी आई पसंद है ना, ऐसी फैमिली में तुम्हें दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? किसने हक दिया तुम्हें? शिवानी, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी होती आई है, वो हमेशा आपके परिवार से मेरे लिए लड़ती आई है। तो मैं इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी और आप भी नहीं रोक सकते। मैंने जो प्लान बनाया था हम उसी प्लान के मुताबिक अमे को सबक सिखाएंगे और ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। प्लीज मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा शांति का माहौल चाहिए। शांति का माहौल तो मुझे भी चाहिए, मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। सही, सही साथ में तो नहीं खा पाए, कम से कम तुम तो खा लो, बहुत लेट हो गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।